अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू फरहीन द किचन। आज मैं आपके साथ मलाई चिकन की ग्रेवी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही फेमस भी है। इसे बहुत लोग पसंद करते हैं और बहुत ही जल्दी और इजीली बन के रेडी हो जाता है। विदाउट फर्दर अडू लेट्स चेक द इंग्रेडिएंट्स। के लिए हमें चाहिए चिकन। मैंने इधर 1 kg की चिकन ली है विद बोन, आप चाहें तो बोनलेस ले सकते हैं। 15-20 काजू का पेस्ट, 2 big अनियन को फाइनली चॉप किया है, अमूल फ्रेश क्रीम, 2 big टमाटोज की प्यूरी, 4 tablespoon कर्ड, कोरिएंडर लीव्स, चारकोल, तंदूरी रेड कलर 1 teaspoon, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1 tablespoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon जिंजर पेस्ट, 2 bay leaves, 1.5 tablespoon गार्लिक पेस्ट, उसमें 5-6 ग्रीन चिलीज ग्राइंड की हैं, 1 tablespoon गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब हम इसका रेसिपी का पहला स्टेप है कि हम पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे मैरिनेट करेंगे और इसे मैरिनेट करेंगे हम फॉर हाफ एन आवर। इससे टेस्ट बहुत अच्छा होगा और चिकन हमारा अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाता है और मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है चिकन में। तो आप ये मैरिनेट ज़रूर करें। सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैंने पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल गरम कर लिया है और जो फाइनली चॉप्ड अनियन थी उसे हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। बिल्कुल हमें गोल्डन ब्राउन करना है, जिसे हम रिस्ता बनाते हैं दैट टाइप। और फ्लेम हमें हाई रखना है और इसे कंटिन्यूस स्टर फ्राई करना है। देखिए हमारी अनियन का कलर चेंज हो गया है। अब हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। इसे ऐसे निकालना है ताकि पूरा ऑयल जो है हमारा निकल जाए। अब उसी ऑयल में मैं 2 bay leaves ऐड करूँगी। बे लीव अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो मैं मैरिनेटेड चिकन ऐड करूँगी। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी जो हमने मैरिनेट किया था। इसे भी अच्छे से फ्राई कर ले ऑयल में। देखिए चिकन कितना अच्छा मैरिनेट हुआ है, मसाले अच्छे से चिकन के साथ मिक्स हो गए हैं। अब इसे अच्छे से ऑयल में मिक्स कर लें, थोड़ा फ्राई कर लें इसे भी। अब मैं इसमें काजू का पेस्ट ऐड करूंगी। चिकन ने और कर्ड ने काफ़ी वाटर रिलीज़ किया है, इसलिए मैं एडिशनल वाटर अब ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि अब मैं इसमें टमाटो प्यूरी भी ऐड करूँगी। तो वो जो टमाटोज, चिकन और कर्ड जो वाटर रिलीज़ करेंगे, हमारा चिकन उसी में ही कुक हो जाएगा। अब मैं लेड लगा के इसे 5 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी ताकि चिकन टेंडर हो जाए। फाइव मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें अनियन पेस्ट जो बनाया है वो मैं ऐड करूंगी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 more minutes के लिए लिड लगा के इसे स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि चिकन टेंडर हो जाए। फाइव मिनट्स हो गए हैं, अब चेक कर लेते हैं। देखिए वाटर काफ़ी रिड्यूस हो गया है और अब हम इसे भून लेंगे अच्छे से ताकि मसाले का कच्चापन की फ्रेग्रेंस चली जाए
और ऑयल सेपरेट होने तक हमें भूनना है। इस टाइम पे हम फ्लेम हाई रखेंगे और कंटिन्यूस इसे स्टर करेंगे, क्योंकि इसमें काजू है, काजू अक्सर बॉटम में लग जाता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है। ग्रेवी अच्छे से भुन चुकी है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है, और अब मैं इसमें क्रीम ऐड करूंगी। मैंने हाफ टेट्रापैक क्रीम ली है। जैसे जैसे आपका चिकन की क्वांटिटी बढ़ेगी, अकॉर्डिंगली उसी तरह से आपके बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी बढ़ते जाएंगे और क्रीम का भी फिर वेट बढ़ जाएगा। और अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। इस टाइम पे हमें फ्लेम स्लो रखना है और बहुत हल्के हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि क्रीम बहुत अच्छे तरीके से ग्रेवी में मिक्स हो जाए। ये बहुत ही रिच और डिलीशियस ग्रेवी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। क्रीम अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया है, क्योंकि इसकी थोड़ी कंसिस्टेंसी हो जाए। वैसे तो ये ग्रेवी थिक होती है, और लेकिन अगर आप चाहें तो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। देखिए मैंने इतना रखा है, बस मैंने ज़्यादा वाटर ऐड नहीं किया है, हाफ कप ही ऐड किया है। अब मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड करूँगी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें और स्लो फ्लेम पर इसे लिड लगा के छोड़ देंगे एक बॉयल आने तक। अब ग्रेवी में भी बॉईल आ गया है और मैंने दूसरे बर्नर पर चारकोल भी गरम कर लिया था। अब मैं इसमें स्मोक दूंगी। आप चाहें तो स्टील बोल भी रख सकते हैं। मैंने एल्युमिनियम फॉइल रखा है, उस पर चारकोल प्लेस किया है, और अब मैं उसके ऊपर 1 टेबलस्पून प्योर घी डालूंगी, जिससे हमारा स्मोक आएगा, और इमिजिएट लट लगा दूँगी। और फ्लेम बंद कर दी है मैंने, और मैं इसे 5 to 10 minutes छोड़ दूंगी ऐसे ही, ताकि हमारा स्मोकी फ्लेवर जो है वो ग्रेवी में अच्छे से आ जाए। और ये फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जब तक आप ये स्मोकी फ्लेवर इसमें नहीं देंगे, आपकी ग्रेवी का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मलाई चिकन रेडी है। आप इसे रोटी, पराठे या नान के साथ सर्व करें। ये बहुत ही रिच डिलीशियस ग्रेवी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।